में शिद्दत आते ही गैस नायाब हो गई। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में घंटों गैस की लोड शेडिंग जारी। कहीं गैस प्रेशर कम और कहीं बिल्कुल गायब, चूल्हे ठंडे पड़ गए। अमूर खानादारी शदीद मुतासिर, शहरी महंगी एलपीजी और लकड़ियां खरीदने पर मजबूर। शहरियों का हुकूमत से गैस की बंदिश खत्म करने का मुतालबा। लोड शेडिंग है, 20-20 घंटे गैस नहीं आती, इतना बिल आता है, क्या करे, कहाँ जाए बंदा। एक टाइम की रोटी बड़ी महंगी हो जाती है हमें, तो क्या कमाए और क्या खाए बंदा। और हुकूमत से यह है कि इल्तजा के गैस की लोड शेडिंग कम कर ले। सुबह सुबह गैस भी नहीं होती, बच्चे पढ़ने जाते हैं, कारोबार पे हम जाना होता है, ड्यूटी पे जाना होता है, गैस होती नहीं। फिर सुबह सुबह नाश्ता लेने के लिए बाहर से, अब गैस भी नहीं है घर में, क्या करें, नाश्ता इधर से लेने। अद्वियात का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मुजफ्फरगढ़ में मौसमी तब्दीली से मुतासरा मरीजों में इजाफा। जनूबी पंजाब के बेशतर शहरों में जतुई और अलीपुर में पैनाडोल नायाब। बहावलपुर में मेडिकल स्टोर्स मनमानों पर उतर आए। रहीमिया खान में इंसुलिन गायब। डायबिटीज के मरीजों को शदीद मुश्किल का सामना। अद्वियात के मुंह मांगे दाम वसूल करने लगे। पैनाडोल डब्बे की कीमत 250 से 800 रुपये पर पहुँच गई। शहरी बुनियादी अद्वियात की किल्लत पर परेशान। इधर मैं अभी पैनाडोल लेने आया बुखार के लिए, मेरा भाई छोटा भाई बुखार में तड़प रहा, बोल पैनाडोल लेने आया, पैनाडोल नहीं मिल रही, ठीक है। उसके बाद मेरे बाबू को क्या ब्लड प्रेशर का मरीज है, उनको मैं एक दवाई लेने आया, वो भी नहीं मिल रही। पिछले 1.5 महीना हो गया इंसुलिन ढूंढ रहा हूँ, और शुगर की भी पेशेंट है, इंसुलिन भी नहीं मिल रही। समझ नहीं आ रहा कब तक नहीं मिलेंगी, 1.5-2 महीने हो गए शॉर्ट चल रही है। बहुत ज़्यादा मसले हो रहे हैं, हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही, क्या कर रही है हुकूमत, कुछ भी नहीं कर रही हुकूमत, सो रही है, मजे ले रही है, अपनी सियासत के पीछे भागे हुए हैं सारे, अपनी सीट के पीछे, आवाम का किसी को कोई ख्याल नहीं है। देखें जी, हुकूमत को सोचना चाहिए कि एक गरीब आवाम परेशान है। दूसरी बात यह है कि सरकारी अस्पताल है, इधर कोई दवाई नहीं आ रही, बाहर भी कोई दवाई नहीं आ रही, मल्टीनेशनल तक कंपनियां शॉर्ट, मेडिसिन शॉर्ट हैं। अब ये देख लें, एरिनिक फोर टैबलेट होगी, पैनाडोल होगी, पैनाडोल सिरप वगैरह हो गए, कालपोल टैबलेट होगी, मजीद काफ़ी सारी दवाइयाँ जो हैं शॉर्ट हैं। मुल्तान के शहरियों के मसाइल का होगा अजाला। कमिश्नर मुल्तान ने कॉर्पोरेशन तरक्याती बजट 2022-23 की मंजूरी दे दी। कमिश्नर की जेर सदारत सालाना तरक्याती प्रोग्राम बारे जायजा इजलास। 58,88,62,000 की 83 स्कीमों की मंजूरी दे दी गई। स्कीमों की तकमील में शफाफियत यकीनी बनाने का हुक्म। कॉर्पोरेशन हदूद में टफ टायर्स का ऑपरेटिंग रोड बनाने की स्कीमें शामिल। पंजाब हुकूमत ने तोंसा की आवाम से किया गया वादा पूरा कर दिया। तोंसा को जिला का दर्जा मिल गया। जिला तोंसा 362 यूनियन काउंसिलों पर मुश्तमिल होगा। तोंसा और कोहे सुलमान की तहसीलें जिला तोंसा में शामिल। पंजाब हुकूमत की जानिब से जिला बनने का नोटिफिकेशन जारी। वजीर आला ने MNA ख्वाजा शिराज मोहम्मद खान लगारी को नोटिफिकेशन दे दिया। IG पंजाब ने अपने ओहदे का चार्ज छोड़ दिया। रिपोर्ट सेक्रेटरी सर्विस को असाल। फैसल शाह का UN में एडवाइजर पुलिस के ओहदे को ज्वाइन करेंगे। हुकूमत ने तहाल किसी भी अफसर को IG का चार्ज नहीं दिया। फैसल शाह खान ने तमाम मुतल्लिका अफसरान का शुक्रिया अदा किया। उधर अब्दुल्ला खान सुंबल को मुस्तकिल चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात कर दिया गया। अब्दुल्ला खान सुंबल की चीफ सेक्रेटरी तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। बेलगाम महंगाई के वाद थम न सके। मुल्तान में सैनिटरी अशिया की कीमतें आसमान को छूने लगी। सैनिटरी आइटम्स की कीमतों में 3 माह में 15 से 20% तक का इजाफा। बेसन 1,000 रुपये इजाफे के बाद 3,500 रुपये का फरोख्त होने लगा। फ्लश की कीमत 500 इजाफे के बाद 2,500 रुपये हो गई। शहरियों का हुकाम से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा।
गरीब आदमी के लिए बच्चियों की शादियों पर जेवरात खरीदना डरावना ख्वाब बन गया। डॉलर की गैर मुस्तहकम पोजीशन सोने की कीमत पर असरअंदाज। सोने की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। फी तोला 1,75,000 तक पहुंच गया। बहावलनगर में शहरियों को शदीद मुश्किल। ताजिर भी सर पकड़ कर बैठ गए। डॉलर की ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर 234 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 231 रुपए 70 पैसे खरीद जबकि 234 रुपए फरोख जारी। दरम 77.10 रुपए में खरीद जबकि मुल्तान इंतजामिया की अदम तवज्जी। बंडा संदीला में मिडिल स्कूल की इमारत खंडरात बन गई। तालीमी सरगर्मियां ना होने के बराबर इमारत में जानवर बांध दिए गए। स्कूल में ना तो क्लासों का आगाज हुआ ना ही अमला तैनात किया गया। इलाका मकीनों का स्कूल की इमारत पर बासर अफराद के कब्जे का इंकशाफ। शहरियों का अरबाब इख्तियार से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। लैया के बासी तफरी सहूलियात से महरूम अवामी नुमाइंदों और जिला इंतजामिया की बेहिसी की इम्तहा। कोट सुल्तान का इकलौता पार्क उजड़ गया। पार्क की चार दीवारी टूट फूट का शिकार। लाखों मालियती यानी जंगले भी चोरी हो गए। पार्क में घास का नामो निशान नहीं। इलाका मकीन सरापा एहतजाज। शहरियों का हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। हम तकरीबन संडे को यहाँ पे आते हैं। संडे फ्राइडे सेकंड टाइम तो यहाँ पे किसी किस्म की सहूलत नहीं है। किसी किस्म की भी सहूलत है। बड़े बड़े शहरों में आप पार्क देखें 10-10 पार्क होते हैं। यहाँ हमारा छोटा इलाका है निस्बतन। यहाँ में जो यहाँ पे आबादी है वो तमाम शहरों से ज्यादा है। बड़ी हुकूमत से गुजारिश है कि यहाँ के जो MNMP हैं उनको चाहिए कि जो इस पार्क की है वो सूरत हाल को देखें और आगे इसकी तरतीब। करोड़ों लागत से बनने वाला विहारी मॉडल बाजार फाल ना हो सका। इंतजामिया नाहली के बायस बाजार में वीरानियों के डेरे। शहरी इंतजामिया की अदम तवज्जो पर शिकवा खुना। कहा मॉडल बाजार का महाना खर्च आमदनी से भी दुगना है। इंतजामिया की जल्दबाजी के रौनक बहाल करने की यकीन दुहानी। कोट चुट्ठा में सड़कों की हालत इजार बेहतर ना हो सकी। जो कतरा रोड कई अरसे से खस्ता हाली का शिकार। जा बजा गहरे गड़े हादसात का सबब बनने लगे। सड़क के तरफ सीवरेज का नाकिस निजाम। इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना। ट्रैफिक रवानी मुतासिर। शहरियों का मुतलका हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। अद्धा असल बहुत परेशान है ना। सारे सेवरेज का पानी कि निकलते सामने द्वारे के जड़े जम पैन थे ना बनिए ना कश है। जलीलो खुआर था प्यूं। हर बंदा परेशान है। जेले बारिश आवे उमले सब तक झागना पौधे। सारे हम कोई सुना जैसा गरीब आदमी मजदूर आदमी है क्या कर सकते हैं। हम थोड़ी मेरी हालत देखो। मैं मजदूर बंदा मैं कहीं कोई जाग सकता कहीं जिमदार तो हा का करे। एयरफोर्स के शहीद के नाम से मंसूब जामपुरा अजीम शहीद म्यूनिसिपल लाइब्रेरी वीरान हो गई। सहूलियात न होने के बायस मुताला के शौकीन अफराद ने आना छोड़ दिया। 2010 का सैलाब लाइब्रेरी का सब कुछ तबाह करके पानी में बहा ले गया। लाइब्रेरी के लिए नई कुतुब तक खरीद नहीं की गई। शहरियों का मुतलका हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। जरी बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में हजारों का इजाफे बिल। के होड़ पक्का के किसानों का XCN ऑफिस के बाहर एहतजाज। मुजाहरीन की लोधरा रोड को ब्लॉक करके नारेबाजी। कहा शदीद बारिशों से हमारी फसलें पहले भी तैयार हो गई। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की सूरत में नाजायज बिल काबिले कबूल नहीं। काश्तकारों की दुहाइयां।
मुल्तान में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। मैपको टीमों ने एक रोज में 40 सराफीन को बिजली चोरी करते पकड़ लिया। 80,000 यूनिट्स बिजली चोरी करने पर 18,71,000 रुपए जुर्माने आयद किए। दिसंबर की सर्दी में सियासी माहौल गर्म, मुल्की इस्तेहकाम के लिए फौरी इलेक्शन बेहद जरूरी है। मुल्तान में मशी बराए वजीर आला तारिक जमान गुजर की रोही से गुफ्तगू। कहा, इमरान खान के एक इशारे पर असेंबलियों को तहलील कर देंगे। पाक फौज की अजमत और कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। बेरोजगारी की शरह में इजाफा, महकमा स्कूल रहीमिया खान में दर्जा चहारम की भर्तियां। 326 सीटों पर भर्ती के लिए 25,000 दरखास्तें मसूर, किस्मत आजमाने 25,000 से जायद उम्मीदवार इंटरव्यू देने पहुंच गए। जनूबी पंजाब भर में अली चाइल्ड एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए इकदाम। मुल्तान समेत मुख्तलिफ अजला के अली चाइल्ड क्लासरूम की तजीन और आयश जांच की गई। मॉनिटरिंग रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर के 36% और डीजी खान के 27% स्कूल की तजीन और आयश दोबारा की जाएगी। लैया में 35%, लोधरा में 51%, मुजफ्फरगंज के 27% और रहीमिया खान के 70% स्कूलों में अली चाइल्ड एजुकेशन पर काम होगा। तमाम AEOs को बजट बनाकर जमा कराने की हिदायत। और हायर एजुकेशन टीम का खवातीन यूनिवर्सिटी मुल्तान का विजिट। टीम ने यूनिवर्सिटी के कारकर्दगी और शोभा माहौलिया साइंसेज की कारकर्दगी का जायजा लिया। वक्त में प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक रिजवाना, डॉक्टर शाजिया जबीन और दीगर शामिल। रजिस्ट्रार डॉक्टर कमर उबाब, डॉक्टर मरियम जैन, डॉक्टर अतिया इकबाल ने टीम को ब्रीफिंग दी। वक्त ने यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रार शोभा माहौलिया साइंसेज के उस्ताजा तुलबा से मुलाकात की।